अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो टेक एक्सपर्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि CTR क्या चीज़ है, व्हाट इज CTR, यूट्यूब का CTR क्या है। क्या एडसेंस वाला CTR तो नहीं, क्योंकि आप लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उनके एडसेंस वाला CTR तो नहीं है, क्योंकि एडसेंस वाला CTR अगर 10 से ऊपर चले जाए तो आपका चैनल डिमोनिटाइज हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि CTR क्या चीज़ है, ये कौन सी नई चीज़ है। ये वैसे बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है, लेकिन जिनके लिए जिनको नहीं पता, जो नए यूट्यूबर उनके लिए बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ है। जब ये कोई चीज़ इनमें से है नहीं, इससे आपके पैसे वगैरह में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अरे तो इस वाली वीडियो में आपको इस वाले सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज CTR, CTR क्या है। सबसे पहले CTR की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। अगर जैसे आप यूट्यूब ने आपकी एक वीडियो को रिकमेंड कर दिया, जैसे आप जब स्वाइप कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी वीडियोज आती हैं। अब जो वो जो स्वाइप आप कर रहे हो, एक वीडियो आपके सामने आ रही है, वो आपका एक इंप्रेशन माना जा रहा है। मतलब उस बंदे ने उस वाली वीडियो को देखा है लेकिन उस पर क्लिक नहीं किया। अगर क्लिक कर दिया तो आपका CTR ऊपर की तरफ जाएगा और आपके वीडियो के वायरल होने के चांस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर उस बंदे ने उस वाली मतलब आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं किया और वो स्वाइप करके चला गया, तो यानी आपकी वीडियो का CTR गिरेगा, इंप्रेशंस बढ़ जाएंगे और CTR कम हो जाएगा। और अगर CTR कम हो गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि बंदे ने उस वाली वीडियो को देख के भी उस पर क्लिक नहीं किया। तो हम लोग CTR कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है, मैं आपको ये बता दूं कि CTR कितना ज़्यादा सही होता है। देखो, यूट्यूब के क्रिएटर इनसाइडर एक चैनल है, उन्होंने खुद बताया कि कितना CTR एक अच्छा होता है, कितना आपको रहना चाहिए, और अगर उससे नीचे जाता है तो आपके लिए वो एक खतरे की बात है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, 5 तक है आपका CTR, इससे अगर अबव है 7-8 है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर 5 तक भी है तो अच्छा है, मतलब नॉर्मल है, सही है। और अगर आपका 5 से डाउन चला गया, जैसे 4 हो गया, 4.3 हो गया, 4.5 हो गया, तो यानी आपको टाइटल और थंबनेल उसकी चेंज करनी फौरन ज़रूरत है। आप फौरन उसका टाइटल थंबनेल अच्छा सा बनाओ और उसको चेंज कर दो। अगर भाई आपका CTR 10 से भी ऊपर चले जाए तो यार आपके बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही बेहतरीन बात है। आप थंबनेल ना कुछ चेंज करो, ना टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करो, सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर 10 से ऊपर चलते हैं, बहुत किस्मत से ही जाता है 10 से ऊपर, तो लेकिन अगर चला जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात है, आपको कुछ भी चेंज करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपका CTR बढ़ गया, CTR अगर बढ़ गया तो आपका तकरीबन 30% काम हो जाता है वीडियो को वायरल करने में, क्योंकि CTR का एक बहुत बड़ा हाथ होता है वीडियो को वायरल करने में। 30% आपका काम हो गया, 20% आपका काम करता है टाइटल, और 50% आपका काम करती है आपकी वीडियो की कितनी ज्यादा अच्छी है, उस पर वॉच टाइम कितना ज्यादा आ रहा है। लेकिन उस वाली जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे हम किसी और वीडियो में, क्योंकि सारी वीडियो का कंटेंट इसी वीडियो में थोड़ी दे दूंगा यार आपको। फिर बात आती है कि CTR को बढ़ाएं कैसे, ये है हमारी वीडियो का मेन टॉपिक कि CTR को इंक्रीज कैसे करें, वीडियो को वायरल कैसे कराएं। तो सबसे पहले आप एक अच्छी आई कैची थंबनेल बनाओ। लेकिन सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं भाई अच्छा काम कर लो, तो भाई करें कैसे, करें ऐसे कि भाई मैंने एक तो 2 वीडियोस बनाए, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आई कार्ड पे ऊपर वीडियो आ रही होगी, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आगे भी वीडियोस ले आऊंगा कि अच्छी थंबनेल कैसे बनाएं। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी एडिटिंग स्किल्स अच्छी आपकी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी एडिटिंग स्किल्स हो। लेकिन अगर अभी आपको थंबनेल बनानी है तो यूट्यूब पे लाखों वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हो, उसमें भी बहुत ज्यादा उन्होंने अच्छी थंबनेल्स बनाई है। और जितनी मैंने एडिटिंग जितनी भी सीखी है वो सारी मैंने यूट्यूब से सीखी, कोई मैंने कोर्स वगैरह इसका अलग से नहीं किया। तो आप भी सिंपली यूट्यूब से सीख सकते हो, और यूट्यूब पे लाखों वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप जो भी पसंद आए वाली थंबनेल बना सकते हो। लेकिन कॉपी बिल्कुल भी मत करना, कॉपी करोगे तो लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, भाई तूने इसकी कॉपी कर ली, इसकी कॉपी कर ली। खुद अपना आप बंदा है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि क्रिएटिव बंदा खुद होता है, खुद एक अच्छी से थंबनेल सेलेक्ट करो, उसको बनाओ। लेकिन अभी जो है बात आती है कि आपको किस टाइप की थंबनेल बनानी है। देखो, फर्स्ट थंबनेल आती है हमारी सॉलिड बैकग्राउंड वाली थंबनेल ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो आप। अगर आपको फेस रिवील वगैरह अपना कुछ भी नहीं करना, आप ऐसे कर सकते हो उसमें कि सॉलिड बैकग्राउंड से ऐसे कलर सेलेक्ट करो जो आई कैची हो, क्योंकि साइंस कहती है कि रेड येलो जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो ह्यूमन की आंखों को कुछ ज़्यादा ही कैच करते हैं। तो आप वो वाला मतलब कलर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप यही वाला कलर सेलेक्ट नहीं कर लेना। बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं ब्राइट कलर जो ह्यूमन की आंखों को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो अट्रैक्ट होता है उस वाली थंबनेल पे और वो क्लिक कर लेता है। तो आप बना सकते हो, लेकिन थंबनेल को अच्छा बनाना, ये नहीं कि आपने रेड कलर ही बस पूरी थंबनेल पे लगा दे, कुछ लिखा विखा है नहीं, पूरी थंबनेल ही भर दी, क्योंकि थंबनेल में आपने पूरी थ्योरी या स्टोरी नहीं लिखनी होती, आपको एक अच्छा सा शॉर्ट सा सिंपल सा बस एक वर्ड 2-3 वर्ड लिखने होते हैं। 2 वर्ड लिखो तो बहुत है, लेकिन 3 भी लिख लो तो चल जाते हैं, ज़्यादा वर्ड पूरी थंबनेल मत भरा कर। आती है हमारी सेकंड थंबनेल हमारी वो होती है कि हमारी रिएक्शन वाली, ऐसे मतलब आप थंबनेल बना सकते हो कि भाई ये वाली थंबनेल भी आप बहुत एक अच्छा, काफ़ी टेक यूट्यूबर्स ऐसे ही बनाते हैं कि भाई फ़ोन हाथ में ले लिया ऐसे करके, फ़ोन है पीछे ब्लर आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको एक 50mm लेंस की है तो ज़रूरत होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन पंखा बंद किया हुआ है, यूट्यूब के लिए तो यार इतना करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी क्वालिटी देनी है। तो खैर, हम लोग चलते हैं टॉपिक पे कि भाई आपको रिएक्शन वाली थंबनेल्स भी आप बना सकते हो, क्योंकि टेक यूट्यूबर, पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि टेक यूट्यूबर्स ऐसी बहुत सारी थंबनेल्स बनाते हैं फ़ोन हाथ में पकड़ के और पीछे ब्लर, उसके लिए 50mm का लेंस आपको चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप एक सिंपल पिक्चर क्लिक कर लो, मेरे पास
पास ना कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं सारी थंबनेल एडिटिंग वगैरह सब कुछ अपने फ़ोन से ही करता हूँ। आप एक अपनी पिक्चर क्लिक करो, उसके बाद पिक्सार्ट में जाने के बाद आप वहाँ पर ब्लर इफेक्ट अपने पिक्चर्स में लगा सकते हो। खाली फ़ोन को मतलब जो है सिंपल आप वो उस पर रिमूव कर दो ब्लर वाला इफेक्ट और आप अपने फेस वगैरह पे ब्लर डाल दो तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थंबनेल बन जाएगी। उसके बाद अपना टाइटल वगैरह आप सिंपली कुछ भी उस पर लिख दो तो वो भी एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी थंबनेल होती है और वो पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वाली थंबनेल्स, जैसे आप सबको पता है। फिर उसके बाद आखिरी हमारी थंबनेल्स आती हैं, वो होती हैं बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है उन थंबनेल्स में, मैं ज़्यादातर उनको यूज़ करता हूँ। इस टाइप की थंबनेल्स होती हैं कि आपको सबसे पहले उसका बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, उसके बाद अपना मतलब जो है बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, उसकी उस पर अपनी पिक्चर लगानी होती है, उसके बाद उस पर टाइटल मतलब जो है कुछ टाइटल वगैरह लिखना होता है जो अच्छा एक अट्रैक्टिव टाइटल हो, और वो थंबनेल एक बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत काफ़ी लगती है क्योंकि पहले आपको आइडिया सोचना पड़ता है, उसके बाद बैकग्राउंड्स का सोचो, उसके बाद अपना बैकग्राउंड रिमूव करो, फिर आपको काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है, 2-3 घंटे तकरीबन 1.5-2 घंटे उसमें आपको लग जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी थंबनेल्स होती है और आजकल वो वाली थंबनेल्स बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं। तो आपको बना सकते हो, मैं इनकी वीडियोज़ जल्दी ले आऊँगा कि सारी थंबनेल्स कैसे बनाएं, लेकिन जब तक अभी मैंने खाली 2 वीडियोज़ ही बनाई हैं कि कैसे थंबनेल बनाएं, तो आप वो जाके वो वाली वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। आप बोलोगे भाई तू थंबनेल पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा है? भाई मैं थंबनेल पे इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि क्लिक थ्रू रेट सारा है ही थंबनेल का सिस्टम, क्योंकि जब तक आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा लोग आपकी वीडियो पे क्यों क्लिक करेंगे? आपकी वीडियो की क्वालिटी आपके थंबनेल से पता चल जाती है, क्योंकि आपकी वीडियो की क्वालिटी जितनी भी ज़्यादा अच्छी हो लेकिन अगर थंबनेल बुरी है तो आप कोई भी आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं करेगा। गुलाब के फूल के ऊपर अगर गोबर होगा तो भाई गोबर को कोई भी नहीं उठाएगा, बोलेगा गुलाब के फूल को ही छोड़ दो। तो इसलिए भाई मेक अट्रैक्टिव थंबनेल, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत क्या करो थंबनेल्स पे। मैं भी अभी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरे से तो मुझे काफ़ी साल हो गए, मैंने काफ़ी चैनल्स बनाए यूट्यूब पे, मैं इससे पहले भी मेरे काफ़ी चैनल्स थे, उसके बाद जब मैं यहाँ से छुट्टी पे चला गया था जैसे आपको पता है 1-1.5 साल के लिए, उसमें मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स बनाए तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि थंबनेल्स कितना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं आपकी वीडियो के वायरल होने में। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी थंबनेल्स बनाओ। मैं वॉच टाइम इंक्रीज़ वगैरह पे अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट में, उस पर भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन आज के लिए बस CTR, क्योंकि CTR भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक मस्त कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना। और हाँ यार, क्योंकि बेल आइकन पे इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यूट्यूब जो नए यूट्यूबर्स बन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा नया कंटेंट आने वाला है आगे भी, और एडिटिंग के बारे में भी कंटेंट आने वाले, कि थंबनेल्स वगैरह कैसे अपनी अच्छी आप कर सकते हो। और यार मैं आपको बता दूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट, क्योंकि मैं वहाँ पर ऑनलाइन रहता हूँ, आप वहाँ पर मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे वीडियो का नया आइडिया दे सकते हो, मैं उस पर वीडियो लाजमी ले आऊँगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। भाई को दुआ में याद रखना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जितनी मैंने टिप्स दी हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक जो है मतलब मेन टिप्स हैं, आप इनको अगर फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा, और मैं भी जब इन टिप्स को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है।